हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है सैंडविच चटनी की रेसिपी। यहाँ पर आप सैंडविच के अलावा इसे आप कोई भी प्रकार के स्नैक्स या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर इसे आप चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। तो ये चटनी आप मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो घर के सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले यहाँ पर चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है। तो यहाँ पर ग्राम में देखे तो 100 ग्राम हरा धनिया ले लिया है। तो उसको हम इस तरह से मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने डंठल का ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकाला है, इसका टेस्ट चटनी में बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद यहाँ पर हम 15 से 20 पत्ते पुदीने के ऐड करेंगे, इससे हमारी चटनी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो वो जरूर ऐड करें। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 3 हरी मिर्चों को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको जितना तीखा पसंद हो उसी हिसाब से हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम 2 चम्मच आलू भुजिया से ऐड करेंगे, इससे हमारी चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह रोस्टेड चना दाल या फिर मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी आपको रोस्ट करके ले लेना है, या फिर आप शादी वाली जो बेसन सेव आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच आलू भुजिया से ऐड कर दी है। अब उसके बाद 1/2 नींबू का जूस ऐड करेंगे। यहाँ पर नींबू का जूस ऐड करने से हमारी चटनी बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी और एकदम बढ़िया टेस्ट आता है, तो यहाँ पर नींबू का जूस जरूर ऐड करें। अब उसके बाद हम 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी कि संजल पाउडर। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच जितने हम शक्कर ऐड करेंगे खट्टापन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच ही शक्कर ली है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम 3 चम्मच, बहुत ज्यादा खट्टा ना उतना हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा खट्टा दही नहीं लेना है, हम हल्का सा ही खट्टा हो वैसा ही दही लेना है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठंडा दही ले लिया है। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते हैं तो बर्फ का पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो या फिर आप फ्रिज का ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्सर जार में पीस लेंगे, एकदम फाइन चटनी हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने दही ऐड किया था तो मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको जरूरत लगे तो फ्रिज का ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें तो आपकी चटनी एकदम ग्रीन की ग्रीन ही बनी रहेगी। तो इस तरह की हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसके आइस क्यूब जमा कर इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर कंटेनर में भरकर भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।